अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्किल्स हब। शटरस्टॉक पर बहुत से यूज़र्स को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। जैसे ही वो फोटो जो है अपनी अपलोड करते हैं तो वहाँ एक एरर शो हो जाता है, इमेज मस्ट बी 4 मेगापिक्सल आर हायर। यानी कि वो जो इमेज वो अपलोड करते हैं उसका साइज़ जो है वो 4 मेगापिक्सल से कम होता है। उनका साइज़ जो है या फिर 4 मेगापिक्सल पर होना चाहिए या 4 मेगापिक्सल से हाई होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फोटो और इलस्ट्रेशंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपना आर्ट बोर्ड ड्रा करके खुद डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए आपको आर्ट बोर्ड का साइज क्या रखना पड़ेगा अगर आप 4 मेगापिक्सल का रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपकी फोटोग्राफ्स हैं तो फोटोग्राफ्स को आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह जो है हम 4 मेगापिक्सल का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करूंगा जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने शेयर नहीं किया। सबसे पहले जो है आपको अपनी विड्थ जो है वो 4 डिजिट की रखनी है और आपने अपनी हाइट भी जो है 4 डिजिट की रखनी है। इसके अलावा आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो फर्स्ट डिजिट होगा विड्थ का और आपकी हाइट का फर्स्ट डिजिट होगा उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 4 आ जाए या 4 से ज्यादा आ जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो 4 मेगापिक्सल से ज्यादा हो जाएगा या 4 मेगापिक्सल का हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, 2000 x 3000। अब विड्थ भी क्या है 4 डिजिट की है और हाइट भी क्या है 4 डिजिट की है। अब 2000 का फर्स्ट डिजिट क्या है 2 है और 3000 का फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि ये 6 मेगापिक्सल का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये 4 मेगापिक्सल से कम का साइज है। अगर हम अपना आर्ट बोर्ड 2000 x 1000 का लें, यानी कि 2000 हमारी विड्थ हो जाए और 1000 जो है वो हाइट हो जाए। अब 2000 का फर्स्ट डिजिट 2 है और 1000 का फर्स्ट डिजिट क्या है 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, यानी कि ये 4 मेगापिक्सल से कम का रिजल्ट आएगा और ये इमेज जो है आपकी अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप 2000 x 3000 का बना लें, 4000 x 4000 का बना लें, 5000 x 5000 का बना लें, इससे कम का आप साइज ना रखें, नहीं तो आपकी इमेज जो है वो अपलोड नहीं होगी। ये तो हो गया है आर्ट बोर्ड का, यानी कि हमें अगर कोई खुद डिजाइन बनाना है, कैनवा पे बनाना है, इलस्ट्रेटर पे बनाना है और हम अपना आर्ट बोर्ड कैसे रख सकते हैं। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो आर्ट वर्क होगा वो भी इनलार्ज होना चाहिए आपके कैनवस के मुताबिक, यानी कि जो आपने हाइट विड्थ रखी है उसी के मुताबिक आपका डिजाइन इनलार्ज होना चाहिए। तो आप बात करते हैं अगर आपकी फोटोग्राफ है तो आपने फिर क्या करना है। अगर आपने इलस्ट्रेटर वगैरह पे डिजाइन नहीं बनाना, ना कैनवा पे बनाना है, आपने जो है अपनी फोटोग्राफ ली हुई है और उस फोटोग्राफ पर ये एरर आ रहा है कि आपका साइज जो है 4 मेगापिक्सल से कम है, तो उसका साइज हम कैसे जो है 4 मेगापिक्सल ला सकते हैं या 4 मेगापिक्सल से ज्यादा कर सकते हैं। तो बहुत से रिसाइजिंग टूल मिल जाते हैं, जैसे कि पिक्सआर्ट हो गया। उसके अलावा आप इलस्ट्रेटर में भी वही आर्ट बोर्ड बना के उसके अंदर वो इमेज आप फिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रीसाइज फोटोशॉप में भी कर सकते हैं और बहुत से टूल्स हैं ये आप सर्च कर सकते हैं जिनमें आप इजीली जो है अपनी फोटोग्राफ्स को रीसाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शटरस्टॉक के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।